सहारा का पैसा केंद्र सरकार के खाते में होगा जमा, जाने अर्थव्यवस्था और मार्केट बॉन्ड पर क्या पड़ेगा असर। सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत रॉय की मौत के बाद से सरकार सहारा से भी रिफंड खाते में पड़ी लावारिस धनराशि को भारत के संचित कोष में स्थानांतरित करने का रास्ता तलाश रही है। सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत रॉय की मौत के बाद से सरकार सहारा से भी रिफंड खाते में पड़ी लावारिस धनराशि को भारत के संचित कोष में स्थानांतरित करने की वैधता तलाश रही है। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार कुछ बकायेदारों को भुगतान के बाद सहारा समूह में बैंकों में जमा 25,163 करोड़ रुपए धनराशि बरामद की गई थी। मामले में जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सहारा के निवेशकों को लौटाने के लिए बैंकों में बाजार पर क्या पड़ेगा असर। केंद्र सरकार के द्वारा अगर वैधानिक प्रक्रिया पूरी करके सहारा का पूरा पैसा संचित निधि में शामिल कर लेती है तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। इससे केंद्र द्वारा उधार लेने के लिए आवश्यक धन की मात्रा में इसी तरह की गिरावट होगी। हालांकि इससे सीधे रूप से सरकारी बॉन्ड पर बड़ा प्रभाव नहीं होगा। वित्त वर्ष 2023-2024 में केंद्र ने पिछले 3 महीनों में औसत मासिक आधार पर 1.45 लाख करोड़ रुपए के बांड जारी कर दिए हैं। नवंबर में सरकार 1.29 लाख करोड़ रुपए के बांड बेचने वाली है, यानी साप्ताहिक स्तर पर औसत 30,000 करोड़ रुपए प्रतिमाह। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार उधार क्यों लेती है। इसे आसान शब्दों में समझने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने राज्य कोषीय घाटे या अपने राजस्व और अपने व्यय के बीच की कमी को पाटने के लिए धन उधार लेती है। उधार बॉन्ड जारी करके किया जाता है जो बड़े पैमाने पर संस्थागत निवेशकों जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और भविष्य निधि द्वारा खरीदा जाता है। खुदरा निवेशकों के लिए भी सरकारी बॉन्ड खरीदने का प्रावधान है, हालांकि उनकी अभी तक भागीदारी कम है। एमवी इंडिया की बड़ी परेशानी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई, जाने कंपनी ने क्या दी सफाई। हेल्पिंग पीपल लाइव बेटर लाइव्स, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा पैसा वापस। सेबी ने 2011 में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SIREL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SHICL को निवेशकों के पैसे वापस करने का आदेश दिया था। अपने आदेश में संस्थान ने आरोप लगाया था कि दोनों कंपनियों ने नियम और विनियम का उल्लंघन करके धन जुटाया था। इसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए सेबी के आदेश को बरकरार रखा और 15% ब्याज के साथ धन को वापस करने का आदेश दिया। इसलिए सेबी के पास करीब 24,000 करोड़ जमा कराने का आदेश दिया। इस दौरान कंपनी की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि उसने पहले ही 95% से अधिक निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार सेबी ने सहारा समूह की 2 कंपनियों के निवेशकों को 11 वर्षों में 138.7 करोड़ रुपए वापस किया। कितने निवेशकों ने रिफंड का किया आवेदन? सेबी को 31 मार्च 2023 तक 53,687 खातों से जुड़े 19,650 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 48,326 खातों से जुड़े 17,526 आवेदनों के लिए 138.7 करोड़ रुपए की कुल राशि लौटाई गई, जिसमें 67.98 करोड़ रुपए की ब्याज राशि भी शामिल है। इस बीच केंद्र सरकार के द्वारा निवेशकों को सहूलियत देते हुए पैसा लौटाने के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई। सरकार सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सहारा रिफंड पोर्टल एक्टिव के माध्यम से निवेशकों के पैसे वापस कर रही है। इस बीच केंद्र सरकार के द्वारा निवेशकों को सहूलियत देते हुए पैसा लौटाने के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई। सरकार सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी सहारा रिफंड पोर्टल एक्टिव के माध्यम से निवेशकों के पैसे वापस कर रही है। इसके माध्यम से सरकार निवेशकों के करोड़ों रुपए वापस करेगी। वर्तमान में सरकार के द्वारा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा जन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निवेशकों के पैसे पोर्टल के माध्यम से रिफंड किए जा रहे हैं। खोले गए स्पेशल अकाउंट में पड़ा है सेबी के पास जमा रिफंड खाते में 11 वर्ष में खातों में जमा पैसा लेने के लिए पात्र निवेशक नहीं मिलने के कारण आज भी पैसा वैसे ही पड़ा हुआ है। अब सहारा प्रमुख की मौत के बाद केंद्र सरकार खातों में जमा पैसे को भारत सरकार के संचित निधि में डालने पर विचार कर रही है। हालांकि इसके लिए अभी कानूनी प्रक्रिया के बारे में विचार किया जा रहा है। इसके बाद निवेशकों को पैसे रिफंड करने के बाद
अगर पैसा बचता है तो सरकार उससे अस्पताल में आने वाले गरीब लोगों के इलाज के लिए खर्च कर सकती है।